वेलकम टू टू माई चैनल। आज मैं आपको एक चीज़ सिखा रही हूँ, वो है बटरफ्लाई, फ्लाइंग बटरफ्लाई। देखिए कैसे उड़ रही है पंख हिला हिला के। तो इसको बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें की ज़रूरत है, और ख़ास है ये हमारी स्ट्रॉ। इसमें एक हमने पतली ली है और एक मोटी ली है, एक के अंदर एक आ जाए इस तरह की। इसके बाद हम पेपर को डबल करके बटरफ्लाई ड्रॉ कर लेंगे। ये बटरफ्लाई ड्रॉ करने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे, तो आधा ड्रॉ करने से ही हमारी पूरी बटरफ्लाई आ जाएगी। तो ये अभी मैं कटिंग कर लेती हूँ। देखिए कटिंग करने के बाद ये हिस्सा चौड़ा है, इसको मैंने फोल्ड कर दिया। जब हम बटरफ्लाई ड्रॉ करते हैं तो ये शेप होती है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ये दोनों तरफ से आधा आधा इंच, करीब एक इंच एक्स्ट्रा आ गया है टोटल बीच में। ये करने के बाद हम इसमें कलर की तैयारी करते हैं। ये आउटलाइन बना रही हूँ मैं, इसमें मैं ब्लैक कलर भरूंगी अभी, और फिर उसके बाद इसके अंदर मैं कलर कर दूंगी। तो ये स्केच पेन से मैंने जो पेंसिल से किया वो कर दिया, उसके बाद अब मैं इसके अंदर कलर कर दूंगी। मैं कलर का बताना भूल गई थी आपको, पहले मैं नहीं सोचा था कलर करूंगी, लेकिन अभी मैं कलर करूंगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी ये सोच के। ये जिस ढंग से मैं ये कलर कर रही हूँ, ऐसे पूरे में कलर कर लेंगे आप। ये हो गया, ये पूरे में कर लेंगे। एक ज़्यादा बॉर्डर बना लिया मैंने। अब ये सूख गया है तो अब इसके ऊपर मैं पानी लगा के इसको गीला करके कहीं भी जो भी मन चाहा कलर का आप शेड डाल सकते हैं। कहीं पे भी आपके पास जो भी रंग इजीली अवेलेबल हो वो कलर लगा दीजिए। और इस तरह से करके ये हो गया। अब मैं दूसरी तरफ के फिगर इस पे भी पानी लगा के डबल कर लिया। अब मैं जब इसको खोलूँगी तो दोनों तरफ कलर आ गया है। ये देखिए अभी दोनों तरफ कलर आ गया इस तरह से। ये अब मैं स्ट्रॉ, ये पतली वाली मैंने 1 सेंटीमीटर और बड़ी वाली करीब 1 इंच मैंने कट करी है। जो पतली वाली है पहले वो लगाएंगे हम। अब ये मैंने यहाँ पे लगा दी और दोनों टाइप साइड टेप से इसको चिपका दिया। अब इसके अंदर मैंने मोटी वाली डाल दी। ये लंबी कटी हुई है, ये ऊपर तक आएगी और इसके ऊपर दोनों तरफ टेप लग जाएगी। बस अब हमारे ये बनके तैयार हो गए। नीचे वाली स्ट्रॉ लंबी होनी चाहिए, ऊपर वाली छोटी। तो देखो कैसे हिल रहे हैं पंख। ये हमारी बटरफ्लाई बनकर तैयार हो गई। अब आप इसको कहीं भी गार्डन में लगाइए, कहीं भी सजा दीजिए। बच्चे इससे खेलते हैं तो एंजॉय करते हैं, तो ये आपका एक अच्छा बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट का चीज़ बन जाती है। और ये आप बनाना भी ईजी है, तो आप लोग भी घर पर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, share and subscribe, please.